सबसे पहला चीज इसमें हम लोग ये सीखे थे कि कंटिन्यूअसली टर्म्स बढ़ता जाता है, कहने का मतलब अगर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर से लेके ए एन तक अगर बोला गया कि ये एपी में है तो इसका मीनिंग ये हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। कहने का मतलब है इसमें लास्टली ए एन माइनस ए एन माइनस वन लिख सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि कोई सा भी टर्म उठा लीजिए, अगर उसमें से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा और ये सब कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये सब कहलाया कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के डी से। ये पढ़े थे ठीक है। तो जनरल तौर पे जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जो जनरल फॉर्मूला होता है जो कि यूज करता है किसके लिए, फॉर कॉमन डिफरेंस डी के लिए, वो होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, एनएथ टर्म में से एन माइनस वन एथ टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एनएथ टर्म में से एन माइनस वन एथ टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए। एग्जैक्टली वैसे जैसे ए टू में से ए वन को सब्ट्रैक्ट किए, ए थ्री में से ए टू को सब्ट्रैक्ट किए। तो देखिए जनरल फॉर्मूला ये होता है, मगर हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप एनएथ टर्म तक पहुंचे। कॉमन डिफरेंस निकालना है सबसे सिंपल, कहीं भी कॉमन डिफरेंस निकालना है सबसे सिंपल, सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा प्रेफर्ड होता है, ये हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं ठीक है, ये हमेशा प्रेफर्ड होता है। अब पिछले क्लास में आपको ये बता दिया गया था कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म जिसको आइदर हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। तो ap के लिए जो nth टर्म होता है tn, दैट इज a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, सब अपना अपना सेंस बना रहा है। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस ठीक है, और एन कौन हो गया, टी एन कौन हो गया, एनएथ टर्म हो गया। अच्छा आपको ये याद होगा कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये है एनएथ टर्म, एनएथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का, स्टार्टिंग से जो एनएथ टर्म निकालते हैं ये उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला है, वहां यूज करेंगे। दूसरा एक और इसमें हम लोग सीखे थे कि अगर कभी हमको पीएच टर्म निकालना है, पीएच टर्म फ्रॉम एंड, बस हम आपको फॉर्मूला थोड़ा यहां पे याद करवा दे क्योंकि जरूरत पड़ सकता है। तो पीएच टर्म फ्रॉम एंड, आपको याद होगा इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, जब पीएच टर्म फ्रॉम एंड कैलकुलेट कर रहे थे तो दो कैटेगरी में डिवाइड था, कौन कौन सा, व्हेन लास्ट टर्म गिवन, और दूसरा कंडीशन था व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ठीक है, बिल्कुल वही चीज। तो जब कभी भी व्हेन लास्ट टर्म प्रोवाइडेड या गिवन, जब भी अपने पास लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग जनरल तौर पे ए वन ए टू ए थ्री करके और जो ए एन लेते हैं, यहां पे हमको लास्ट टर्म दिख गया इस ए एन, यही जो लास्ट टर्म है, यही जो लास्ट टर्म है इसको मे बी एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लास्ट टर्म के लिए जस्ट इनिशियल एल यूज किया गया, अदरवाइज आप उसको ए एन कह सकते हैं या टी एन कह सकते हैं। तो हम लोग ये सीखे थे कि अगर पीएच टर्म निकालना है, पीएच टर्म फ्रॉम एंड, तो तरीका अपना यह था कि जो लास्ट टर्म होगा उसको फर्स्ट की जगह पुट करेंगे, देखते चलिएगा कंपेयर कीजिएगा ना तो बहुत आसानी से कोई भी चीज समझ में आता है। फर्स्ट टर्म के जगह पे लास्ट टर्म को पुट किए, फिर उसके बाद प्लस के जगह पे माइनस लगाएंगे, बाकी जैसे है, तो वहां एनएथ टर्म बोला तो एन माइनस वन, यहां पीएथ टर्म बोला तो पी माइनस वन, और डी का डी रहेगा। ये हो गया मेरा पीएच टर्म फ्रॉम एंड का, ठीक है, जबकि लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या था, व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन, अगर आपको ये बता दिया कि कितना टर्म 20 30 50 100 200 500 कितना टर्म एग्जिस्ट कर रहा वो बता दिया, मगर लास्ट टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म नॉट प्रोवाइडेड, अगर लास्ट टर्म मेरा नहीं दिया है तब, तो उस समय हम लोग ये सीखे थे कि जो पीएथ टर्म होगा, पीएथ टर्म
फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताए थे, टोटल माइनस पी प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग से, ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, एन माइनस पी प्लस वन एथ टर्म होगा। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि जब हमको पता चल ही गया कि कौन सा टर्म निकालना है बिगिनिंग से, तो सिंपल क्या करना है ना कि बिगिनिंग वाले में एन के जगह पे ये पूरा पार्ट हमको पुट कर देना है, ठीक है, बस वो पार्ट पुट करना है, एकदम यही फॉर्मूला, केवल एन के जगह पे, एन के जगह पे वो पुट होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए प्लस एन माइनस पी डी। हुआ क्या ना कि उसका प्लस वन माइनस वन कट गया, उसका प्लस वन ये वाला प्लस वन और इसका ये माइनस वन कैंसिल हो गया, तो बच गया मेरे पास इतना। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हैं। अगर आपसे बोला kth टर्म फ्रॉम एंड निकालो, आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस क्यू डी। अगर बोला fifth टर्म फ्रॉम एंड निकालो, आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस फाइव डी। ठीक है, जो सा टर्म बोलेगा आपको केवल p के जगह वही पुट करना होता है। इतना ही पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, तो एक बार आप इसको जरूर नोट कर लें, ठीक है, क्या होता है, एक रिवाइज हो जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इसके बेसिस पे, थोड़ा उसको भी अभी बताएंगे हम, नोट कर लें आप इसको जल्दी जल्दी, ठीक है, छोटा सा क्विक रिवीजन है और कुछ नहीं। देखिए ऐप में ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट हमको भेजा था जो पिछले क्लास में क्लास किया था, तो वो है ना इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, ऐप में था तो लगभग सबको ही देखे होंगे, ठीक है, उसी चीज को थोड़ा डी कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is a small a and last term दिया हुआ था, last term is l, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि first term को a से ही represent करो और last term को l से represent करो, तब बोला गया then so that sum of nth term from beginning and end, from beginning and end always equal to a plus l, हमको ये निकालना था, ठीक है, ये शो करना था कि nth term अगर हम beginning से लें और nth term end से लें, तो जब दोनों को add करेंगे तो वो a plus l के बराबर होना चाहिए था, ये शो करना था। देखिए बनेगा कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे जो डिमांड किया ना आप उसको फुलफिल कीजिए, मतलब nth टर्म निकालिए बिगनिंग से और nth टर्म निकालिए एंड से, दो काम करना है। तो पहला चीज nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो दैट इज इक्वल्स टू, हम सिंपल लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन डी। यहां मेरा एक ही अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि कॉमन डिफरेंस d होगा, ये मेरा एक अजम्पशन है, तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना होगा प्रूफ करने में, एक कॉमन डिफरेंस d मान। ए तो मेरा क्वेश्चन प्रोवाइड किया ही था, यहां लिखा था फर्स्ट टर्म इज a, चलिए इतने में छोड़ दीजिए। अब दूसरा, आप अगर nth टर्म निकालें तो nth टर्म फ्रॉम एंड एक छोटा सा बात पूछना चाहेंगे, एंड का बात आया तो आइदर ए टाइप से निकलेगा या बी टाइप से निकलेगा, क्या प्रेफर करते हैं, कौन सा निकलेगा, किससे निकाले, ए से कि बी से, किससे, नहीं सुने, ए से, एकदम सही। देखिए यहां पे देखिए क्या दिया है, बोला लास्ट टर्म इज एल, हम यहां क्या मेंशन किया, व्हेन लास्ट टर्म गिवन, जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा तब आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, क्वेश्चन में बोला तो लास्ट टर्म एल है तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, एन मतलब कौन, एल, एन मतलब कौन, एल, बस यही चीज आप वहां यूज करेंगे। तो nth टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू एन के जगह एल होगा माइनस वहां पी के जगह एन होगा एन माइनस वन और डी के जगह डी रहेगा, मिल गया, nth फ्रॉम बिगिनिंग nth फ्रॉम एंड, ठीक है। अब क्या बोला था ये कि दोनों का सम कर दो, दोनों को एड कर दो, तो हम लिख सकते हैं यहां sum of nth
फ्रॉम बिगनिंग, अब कुछ करना नहीं है ठीक है, बस थोड़ा सा ऐड करके दिखा देना, बिगनिंग एंड एंड, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड उसका सम, तो लिख सकते हैं बिगनिंग से कितना a प्लस एन माइनस वन डी, और प्लस एंड से कितना l माइनस एन माइनस वन डी। आपको पता चला ये माइनस में ये प्लस में कट गया और कुल मिला के बचा क्या अपने पास a प्लस l, यही ना प्रूफ करना था इक्वल्स टू a प्लस l। देखिए आपके क्वेश्चन में खास करके ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में जो बात बोला गया आप उसको पार्ट बाय पार्ट निकालिए, अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा इशू करेगा, वो सबको करता है, मगर उसको ओवरकम करना होगा धीरे धीरे। तो कैसे करेंगे सुनते चलिएगा, पहले जो बताया आप उसको लिख ले कि हाँ क्या दिया है, दूसरा आपसे जो पूछा या शो करने के लिए बोला आप उसको आराम से कैलकुलेट कीजिए, बाद में देखिए कि हमको एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है या क्या फाइंड करना है, वो लास्टली आप कैलकुलेट करें। हमेशा ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, किसी भी क्वेश्चन में ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और ना ही ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन में फंसेंगे या नहीं बनेगा, वो जरूर बनेगा, मगर स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तब, अदरवाइज रैंडमली अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा इरिटेशन भी हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये था एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, डिस्कस कर दिया। देखिए पिछले क्लास में nth टर्म से रिलेटेड एक टर्म बचा हुआ था, उसी को डील कर रहे हैं, कॉमन एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, या इसको कॉमन एपी भी कहते हैं ठीक ना, ये कॉमन एपी भी कहलाता है। अब इसके लिए थोड़ा आपको समझा दें कि क्या कहना चाहता है ये, उसके बाद कैलकुलेशन बता दें। आपके पास गिवन रहेगा एक एपी ठीक है, ये गिवन रहेगा एक एपी, मान लीजिए कुछ 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, क्या बताया 50 टर्म्स, बताया कि ये 50 टर्म्स तक जाएगा, इतना बताया। इसके साथ एक दूसरा एपी भी दिया रहेगा, क्योंकि एक अकेले में से क्या कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के लिए कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो, तो दो आपको दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन। ये दूसरा एक एपी है ठीक है, क्या है वो देख लीजिए, 7, 12, 17, 22, 27 सो ऑन, और ये भी बोला अप टू 50 टर्म्स, ये भी बोला अप टू 50 टर्म्स, कोई जरूरी नहीं है, दोनों का जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिफरेंट भी हो सकता है, देखेंगे क्या जरूरत है, बस यहाँ आपको बताया हुआ रहेगा कि कितने टर्म्स तक ये जाएगा ठीक है, ये जरूर क्वेश्चन में बताया रहेगा, और नहीं तो एटलीस्ट आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा ठीक है, या तो बताएगा कितने टर्म्स तक जाएगा और नहीं तो लास्ट टर्म आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्या करना और कैसे करना, देखिए फॉर कॉमन एपी, फॉर कॉमन एपी आपको दो काम करना होगा, सबसे पहला काम क्या है ना कि फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म, फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म, जो पहला कॉमन टर्म होगा उसको देख के ही निकालना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं ठीक है, फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ, फ्रॉम बोथ एपीज, दोनों एपी में से पहला कॉमन टर्म निकालें, वो कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म होगा, इस फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, वो कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म होगा। क्या आप इस स्टेटमेंट को समझे, दो एपी दिया, दोनों में जो फर्स्ट कॉमन टर्म है उसको देख के फाइंड आउट कीजिए, उसको देख के फाइंड आउट कीजिए, वो जो कॉमन टर्म होगा वो कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म होगा ठीक है। देख के बताइए पहला कॉमन टर्म क्या है, 12, फर्स्ट कॉमन टर्म अपने पास, सबको ही देख लीजिए, सबको ही देख लीजिए 12 है, जैसे हमको पता चला कि फर्स्ट कॉमन टर्म मेरा 12, तो फॉर कॉमन एपी हम मेंशन कर सकते हैं, फॉर कॉमन एपी जो ए होगा ना दैट इज इक्वल्स टू 12, यानी कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म कितना होगा 12, वही छोड़ दीजिए उसको। दूसरा काम क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, कॉमन एपी बाई सॉल्विंग एलसीएम, बाई सॉल्विंग एलसीएम
ऑफ डी वन एंड डी टू. क्या इसका मीनिंग समझे आप? डी वन और डी टू, डी वन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, डी टू इज कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी. बोला क्या गया कि इन दोनों कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा वही कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस होगा. समझे क्या बोला? इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम, एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू, डी वन एंड डी टू दैट इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी. कोई हमको बताएगा यहां से क्वेश्चन में डी वन कितना है? क्वेश्चन में थ्री, सिक्स माइनस थ्री कर दीजिए थ्री. अच्छा डी टू कोई बताएगा? डी टू फाइव, फाइव. चलिए ठीक है, एलसीएम बोलिए 15, 15, एलसीएम आया 15, और यही जो एलसीएम है दैट इज इक्वल्स टू द डी. यही एलसीएम क्या होगा? डी. अब देखिए क्या हुआ, हमको अपने कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, हमको अपने कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया. अब एपी में दो ही चीज का रिक्वायरमेंट ही होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. दोनों मिल गया तो उसके बेसिस पे पूरा एपी बना सकते हैं. इधर वाला शायद आप नोट कर लिए हो, हटा रहे हैं ठीक है. देखिए अब क्या है ना कि ऑनलाइन क्लास लंबा खींचने वाला है, आपको भी पता है कि सिचुएशन क्या है, कैसे चल रहा है. तो आप अपनी कॉपी को तो हमेशा तैयार रखें और उसके साथ क्लास में जहां तक हो सके नोट करते चले साथ में ठीक है. तो आपको पढ़ने का थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा. अब आप इतना मैच्योर हो गए हैं, दो महीना क्लास हो गया है, उतना कर सकते हैं ठीक. नेक्स्ट है कॉमन एपी बनाएंगे कैसे. तो जो कॉमन एपी होगा देखिए कैसे बनेगा. सबसे पहले जो सीखे हैं ए, उसके बाद होता है ए प्लस बी, उसके बाद होता है ए प्लस टू डी, देन आफ्टर ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. पूरा लिखने का जरूरत नहीं ठीक है. तो हमको कॉमन एपी का ए मिला हुआ है, वहां ऊपर में देख रहे होंगे इस लाइन के लास्ट में 12, कॉमन डिफरेंस 15 है, इसमें जोड़े 27, इसमें जोड़े 15 42, इसमें जोड़े 15 तो कितना आ रहा है 57 ठीक है. ऐसा 57 ये ऐसे बढ़ते जाए ठीक है. तो ये मिला मेरा कॉमन एपी, इट इज दी कॉमन एपी ऑफ गिवन एपी एपी वन एंड एपी. तो दो चीज का ध्यान रखना है कि कॉमन एपी जब बोले या एपी ऑफ कॉमन टर्म्स बोले तो वैसे केस में आपको सबसे पहले एपी देख के फर्स्ट टर्म निकालना होगा कि कौन कॉमन है, पहला स्टेप कंप्लीट. दूसरी बार में क्या करना होगा, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को निकाल के, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को निकाल के और उसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस मिलेगा. यहां तक का कॉन्सेप्ट हो गया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तब फिर चलेंगे इस पे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में. कुछ डाउट है ए और डी से रिलेटेड या कॉमन एपी से रिलेटेड? नहीं, चलिए ठीक. अब देखते हैं ठीक है. लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी कैसे निकालेंगे? हम तो आपको बोले ना डैश डैश करके छोड़ दीजिए, मगर मान लेते हैं जैसे पूछ ही लिया कि आप कॉमन एपी, तो चलिए ठीक है निकाल लिए. अब जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे बताइए आपके कॉमन एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, यानी कि लास्ट कॉमन टर्म बिटवीन एपी वन एंड एपी टू, इन दोनों में लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा उसका कैलकुलेशन करना है ठीक है. देखिए कैसे निकाले. सबसे पहला काम थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिएगा. मान लीजिए एपी वन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला ठीक है. मान लीजिए ये फर्स्ट एपी है, ये यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक चला, मींस ये 3 से स्टार्ट हुआ और 50 टर्म यहां पहुंच गया ठीक है. उसके बाद सेकेंड एपी जो है मान लीजिए अज्यूम्ड है ठीक ना, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, मान लीजिए ऐसा ठीक है सिंपल. अब आपसे बोलेगा कि कॉमन एपी क्या, तो जब हम कॉमन एपी का बात करेंगे तो हम बोलेंगे देखिए वो स्टार्ट होगा यहां से और वो एंड होगा यहां पे. बोलिए आप इस बात को समझे, यहां से यहां तक कॉमन होगा. सिंपल जो डोमेन वाला कॉन्सेप्ट था, दो डिफरेंट डोमेन निकालते थे उसका कॉमन पार्ट निकालते थे, वैसे ही मान लीजिए एक एपी
इस नंबर से स्टार्ट हुआ, इस नंबर पे एंड हुआ, वो अपना 50 टर्म रखा। मेरा जो एपी टू था वो इस नंबर से स्टार्ट हुआ, इस नंबर पे खत्म हुआ, अपना 50 टर्म्स रखा। जब कॉमन एपी निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हम देख के निकाल लिए कि 12 होगा, मगर लास्ट टर्म क्या होगा? तो जो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा वही तो मेरा लास्ट टर्म होगा कॉमन एपी का। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आपको हम समझा रहे थे, बता रहे थे कि यूज कौन सा कॉन्सेप्ट करें, अब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा है तो हमेशा फॉर्मूला पे नहीं होता है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले एपी वन का बात करें। ठीक है, एपी वन का, तो एपी वन मेरा कहां तक गया वो देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 से लेके 50 टर्म्स। तो क्या हम एबल नहीं है कि इसका T50 निकाल लें? तो फर्स्ट एपी का T50 निकाल रहे हैं, 50 टर्म्स, दैट इज ए प्लस 50 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 49। 3 टाइम में कितना देता है? 147, और प्लस 3 कितना हो गया? 150। सिंपल, ठीक है, ऐसा चला 150। T50 कितना मिला? 150। सेकेंड एपी जिसका स्टार्टिंग था 7, फिर था 12, 17, फिर था 22, सो ऐसे, ये भी कितना, ये मेरे पास 50 टर्म्स, तो हम इसका भी 50 निकालेंगे, T50। तो T50 ऐसे बोलते हैं, T50 ऑफ फर्स्ट और T50 ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, तो A प्लस 50 माइनस 1, और D के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे, A प्लस N माइनस 1D, कॉमन जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला उसमें पुट कर दिए। अच्छा, 49 × 5 कितना हो गया? तो 49 5 से 245, एकदम से 245, और प्लस 7 करेंगे तो शायद 252 आ जाए। ठीक है, 252। अब देखिए 252 और 150, इन दोनों में से कौन सा टर्म ये ना सबसे छोटा? नहीं समझे आप, देखिएगा, समझिएगा हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो सुनिएगा। पहला एपी स्टार्ट हुआ 3 से और खत्म हुआ 150 पे, दूसरा एपी स्टार्ट हुआ 7 से, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से बड़ा होगा 7, और खत्म जाके हो रहा है 252 पे, 252 पे, यही चीज समझा रहे। अगर कॉमन मिलेगा, ये 7 था, अगर कॉमन मिलेगा तो 7 के बाद मिलेगा और 150 से पहले मिलेगा, कॉमन यही मिलेगा ना? बोलिए हाँ कि ना, समझे कि नहीं कॉमन? यस सर। ठीक है, तो कॉमन टर्म जो भी होगा वो 150 से कम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है, कॉमन टर्म जो भी होगा वो 150 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ये डिसाइड हो गया तो हम एक लाइन लिख लें जो अभी आपको हम बार बार बोल रहे थे कि लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 150, वो 150 से कम होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये 350 हो जाता, मान लीजिए ये 350 हो जाता, तो किससे छोटा होना चाहिए था, देख के बोलिए। से जो छोटा नंबर रहेगा उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, चाहे जहां भी जो भी मिल जाए, जो छोटा नंबर रहेगा उससे छोटा होना चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट है, जैसा था वैसे ही कर दे रहे 150। ठीक है, तो लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 150। निकालते हैं, देखिए क्या निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो TN होगा, TN ऑफ कॉमन एपी should be less than equals to 150। अब TN of common AP होगा कितना? तो ये by the formula A plus N minus 1D होगा, should be less than 150। अब क्या करेंगे, A के place पे put करेंगे, तो common के लिए A कितना? 12, N को N छोड़ दिए, और common के लिए D मेरा कितना था वहां निकाले थे 15, less than equals to 150। यहां से solve करके N निकालना होगा, तो हम यहां पे इतने में calculate कर रहे हैं उसको, n लिखना चाहते हैं, तो देखिए n should be less than equals to 150 minus 12 कितना होता है 138। ठीक है, 138 by 15 plus 1 तो n should be less than equals to 15 add करें इसमें, ठीक ना, 15 add करें तो शायद 153 हो जाएगा, 153 by 15।
ऑब्वियस सी बात है 153 बाई 15 लिखा तो इसका इंटीजर कौन होगा, 153 बाई 15 का इंटीजर, अरे 10 होगा 10, 10 10 10 ठीक है, कितना होगा 10 आएगा, 10 आएगा 10, 153 में 15 से भागा लगेगा ना, 153 में जब डिवाइड करेंगे 15 से, वन टाइम में 15 ये कट गया, 3 उतरा, कटने वाला है नहीं, जीरो डाल दिए, फिर पॉइंट डालेंगे तब जाके यहाँ जीरो आएगा, 2 टाइम में हम पूछे इंटीजर कितना, तो इंटीजर तो 10 होगा, तो हम लोग को 10 लेके चलना है, ठीक है, इसका मतलब n का वैल्यू हमको कितना मिल गया 10। ध्यान दीजिएगा यहां से फिर इस जगह पे, क्योंकि हमको एक ही बोर्ड में खत्म करना है तो जहां जरूरत पड़ रहा है उतना लेना है, तो n शुड बी 10, पता चला n अगर 10 है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम रखना है, ठीक है, टेंथ टर्म ऑफ कॉमन एपी आप खुद से निकाल लेंगे, टेंथ टर्म ऑफ कॉमन एपी आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये इधर का पार्ट है, और वही होगा मेरा लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, जो टेंथ टर्म ऑफ कॉमन एपी होगा दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी। तो कॉमन एपी से रिलेटेड दो सवाल पूछा जाता है, सब हम एक ही साथ ना थ्योरी लेके चल रहे हैं इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत सिंपल से पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछेगा अब आपको बताते चलते हैं। आपको दो एपी देगा, पहला सवाल बनता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, खत्म। दूसरा सवाल बनता है कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होगा, खत्म वहीं पे। तीसरा सवाल बनता है कि कॉमन एपी क्या होगा, तो यहां पे यहां तक निकाल के खत्म, ठीक है। चौथा सवाल बनता है कि कॉमन एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, कॉमन एपी का लास्ट टर्म क्या होगा वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाता है कि कॉमन एपी का 20th टर्म क्या होगा, तो यहां पे पहुंचने के लिए आपको लास्ट टर्म नहीं सॉल्व करना, आपको ए मिला डी मिला आप 20th टर्म आराम से निकाल सकते हैं, मगर जब लास्ट टर्म पूछेगा यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चार तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और चारों चीज आपके सामने है पूरे बोर्ड पे, कहीं कुछ दिक्कत है डाउट है जरूर पूछ ले, ठीक है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा है सॉल्व कीजिएगा, फाइंड कॉमन एपी एंड लास्ट टर्म, चारों क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि जब तक ए और डी नहीं निकालेंगे तब तक एपी नहीं आएगा और लास्ट टर्म भी पूछ लिए, ठीक है। एपी वन दिया क्वेश्चन में, एपी वन दिया हुआ है -3, 1, 5, 9 and so on up to 30 terms, ठीक है 30 terms। उसके बाद एक सेकेंड एपी दिया है एपी टू, ये दिया है -12, -2, 8, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है एक मिनट, -12, -3, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 15 एंड सो, और ये कितना दिया है ना 20 terms, ये दिया है 20 terms, बस इतना ही, ठीक है। कॉमन एपी निकालिए, उसका लास्ट टर्म बताइए, जबकि आपके पास दो एपी गिवन है, जैसे जैसे आंसर आएगा आप बोलते चलिएगा, ठीक है। ए बता दीजिएगा कितना दिखा, डी कितना दिखा, सब कॉमन एपी का बात कर रहे हैं, सब कॉमन एपी का आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद हमको एपी बता दीजिए क्या होगा, बाद में हमको लास्ट टर्म बता दीजिए। चार क्वेश्चन है, बनाइए सबको, ट्राई कीजिए और जो आंसर आ जाएगा बता दीजिए। चलिए बनाते रहिए, हम भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। T30 ऑफ फर्स्ट एपी दैट इज -3 + 29 × D, डी कितना है अपना 4, तो ये मिल गया हम लोग को 29 4, तो ये 6 3, फिर उसके बाद 8 और 3 11, 130, फिर उसके बाद T20 ऑफ सेकेंड एपी, तो A -12 + N-1 यानी 19, और डी अपने पास कितना मिला था यहाँ पे 9, ठीक
ठीक है, 9, तो 99 टाइम में कितना 171, तो माइनस 12 और प्लस 171, ये हो गया 9, ये हो गया 6, यानी 5, 159, तो लास्टली जाएगा यहां तक, जिसका आंसर आ जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक ना, मेरा वेट मत कीजिएगा। TN should be less than equals to 113, जो छोटा नंबर होगा उससे छोटा, लास्ट टर्म होगा 69, चलिए ठीक, लास्ट अपने पास जो टर्म आया उसका वैल्यू है 69, ठीक है। देखिए TN मेरा 113 से छोटा होना चाहिए इसका वैल्यू, TN किसके लिए, कॉमन का, तो कॉमन का A यूज करें, माइनस 3 प्लस N माइनस 1, और D का वैल्यू कितना 36, D का वैल्यू 36 should be less than equals to 113, जिसका नहीं बन रहा थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी लोग बस अपना चेक कर लीजिए, ये 3 इधर चला गया, तो N माइनस 1 into 36 is less than equals to 116, बाद में 36 नीचे चला गया, तो N should be less than equals to 116 by 36 plus 1, ये आ जाएगा। अच्छा 36 116 में ऐड कर लें, तो ये आया 12 4 5 1 5 2, और इसके डिवीजन में 36, ठीक है, इसके डिवीजन में 36, देख लीजिए लगभग ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, मतलब n का वैल्यू 4, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो फ्रैक्शन हटा दीजिए, टर्म निकालना है, n कौन सा 4, n कौन सा 4, तो हमको t4 निकालना होगा, t4 इज द लास्ट कॉमन टर्म, इज लास्ट कॉमन टर्म, तो t4 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, a प्लस 4 माइनस 1 d लिखिएगा, और क्योंकि कॉमन का निकाल रहे हैं तो कॉमन का a माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 3, और d का वैल्यू आप लोग निकाल के बताएं हमको 36 होगा, इट इज 108, और 108 माइनस 3 कितना होता है 105, 105 आ रहा है ना, फोर्थ टर्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए ना कैसे बनेगा, किसी को कुछ yes, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें किसी भी टर्म से तो पूछ ले थोड़ा। चलिए ठीक है, हटा रहे हैं इसको, अब देखिए इसमें कुछ रहा नहीं, हाँ तो ऐसा क्वेश्चन मिले आप उसको बनाएं, अब इसमें कुछ भी नया बताने के लिए नहीं है, बस यही क्वेश्चन हम आपको रिपीट करते रहेंगे डेटा चेंज कर करके। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो आप हमसे जरूर बोले, हम डील कर देंगे, नहीं तो फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था आप बस उसको थोड़ा याद रखें, क्वेश्चन बनेगा। किसी को भी अगर चाहिए प्रैक्टिस की समझे आगे बढ़ना है, ठीक है तो बोलना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार क्या करते हैं ना, 3 लेते हैं, ठीक ना, 3, 2 तो हो गया, 3 ले लें आदित्य। Yes, चलिए ठीक, थोड़ा बढ़ाते हैं। एपी 1 देखिए क्या दिया, दिया 2 4 6 8 10 से लेके 30 टर्म्स, ठीक है 30 टर्म्स, थोड़ा बड़ा कर ले 100 टर्म्स, ठीक। अच्छा एपी 2 हम लोग को दिया, एपी टू हम लोग को प्रोवाइड किया गया है क्या, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये भी बोला 100 टर्म्स, ये भी बोला 100 टर्म्स, ठीक है। और एपी 3 जो था, एपी 3 ये हम लोग को प्रोवाइड किया गया 5 9 1 6 10 14 18 सो ऑन, और ये हमको दिया 97 टर्म्स, ये हमको दिया 97 टर्म्स, ठीक है। अब बोला गया फाइंड कॉमन एपी, फाइंड कॉमन एपी एंड लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म यूजिंग लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, ठीक है, कॉमन एपी का लास्ट टर्म बताना, इतना चीज है। ये 3 एपी मेरा पहला काम फर्स्ट कॉमन टर्म, तो फर्स्ट कॉमन टर्म देख के ही निकालना है, और शायद आपको ऐसे दिख गया होगा फर्स्ट कॉमन टर्म 6, ठीक है 6 हो गया मेरा फर्स्ट कॉमन टर्म। दूसरा अब हमको काम करना है फॉर कॉमन डिफरेंस,
ऑफ कॉमन एपी, ठीक है। इसके लिए तो D इज इक्वल टू सीधा लिखें एलसीएम, किसका किसका एलसीएम चाहिए आराम से, D1 D2 D3, डिफरेंस देखें 2 का, डिफरेंस देखें 3 का, डिफरेंस देखें 4 का, 2 3 4 का एलसीएम चाहिए। तो D जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन एपी का, D दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 3 4, कितना मिलेगा हम लोग को, शायद हमको लगता है 12 मिलेगा, ठीक है 12 मिलेगा, निकाल लें आप जैसे निकलता है कैलकुलेट करते हैं बस उसी तरीके से, डी मेरा आ गया 12, ये हो गया, ए और डी मिल गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कॉमन एपी डिफाइन करना है। तो जो कॉमन एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म तो ए यानी 6, उसमें 12 जोड़ दें 18, इसमें 12 ऐड कर दें 30, उसमें 12 ऐड कर दें 42 एंड सो, मिल गया मेरा कॉमन एपी, कॉमन एपी। अब हमको प्रोसीड करना है फॉर लास्ट टर्म, फॉर लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, कॉमन एपी के लास्ट टर्म के कैलकुलेशन से रिलेटेड जो पार्ट होगा वो इसके नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज nth टर्म निकालें, t100 निकालें, किसके लिए, फर्स्ट एपी का, तो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 100 माइनस 1 यानी 99 डी 2, कितना आएगा हमको लगता है 200 आएगा, ठीक है 200, चेक करते रहिएगा कहीं अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ तो बताइएगा हमको। फिर सेकेंड एपी का भी 100 टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा ए प्लस 99 और डी था मेरा 3, तो ये हमको लगता है 300 आएगा, ठीक है ये 300 आएगा। अच्छा नेक्स्ट एक और थर्ड वाले का, तो टी कितना निकालना है हमको, 97 ऑफ थर्ड एपी, इसका ए है 6 और इसका कॉमन डिफरेंस है 4, इसका ए हो गया 6 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4, तो यहां लिखेंगे ना 97 माइनस 1 डी 4 यानी 6 प्लस 96 डी, सॉरी 96 इंटू 4, ये कितना आएगा, तो ये हो गया 24 और 6 कितना 390। चलिए ये 390 आ गया अपना। अब मेरे पास तीन नंबर कंपेयर करने के लिए, 390 200 और 300, देखिए कैसे लिखते हैं, यहां लिखते हैं लास्ट टर्म, लिखने का तरीका बता रहे हैं हम, लास्ट टर्म 198। अच्छा ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी चेक करना पड़ेगा, 198 आप बोले हैं ना, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है चेक कर लेते हैं। लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी देखिए कैसे लिखा जाता है, दैट इज द मिनिमम ऑफ जो भी आपको nth टर्म मिला है 200 300 390, ऐसा ऐसा चीज आपको क्वेश्चन में मिलता रहेगा तो इसका क्या मीनिंग होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप देख के सोचेंगे पता नहीं ये क्या लिखा है। ये लिखा है ना कि इन तीनों नंबर में से जो मिनिमम होगा वो यहां लिख दीजिए, सबसे छोटा कौन, 200। तो लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी इज लेस देन इक्वल्स टू 200, एक मिनट यहां हमको लेस देन इक्वल टू लगा चाहिए, ठीक है, तो मेरा जो टीएन होगा कॉमन एपी का शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 200। अब हम इसमें प्रोसीड करें तो ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर द कॉमन एपी लेस देन इक्वल्स टू 200, ए मेरे कॉमन एपी का कुछ था 6, डी था 12, तो 6 प्लस एन माइनस वन 12 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 200, 6 गया तो 194, ठीक है 12 नीचे जाएगा तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 194 बाय 12 प्लस 1, ठीक है तो 194 बाय 12 अप्रोक्सीमेटली कितना देता, प्लस 1 यही कर लें 1, फिर बच गया कितना 7, 6 टाइम में फिर कितना आएगा 1 आएगा, बस काफी है, ठीक है तो आप कह सकते हैं n लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 17 यानी 17th टर्म जो होगा कॉमन एपी का, जो 17th टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा। तो देखते हैं n 17 निकाल लिया जाए, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस जगह किस चीज का कैलकुलेशन है n 17, तो t 17 ऑफ कॉमन एपी, t 17 a था 6 d था 12, तो 6 प्लस 17 माइनस 1 16, d कितना 12, तो 16 12 जो भी आएगा कितना आएगा
16 टू टाइम में 32 और 6 38 और 16 प्लस 3 198। चलिए ठीक है, एकदम सही आंसर आया था, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। अब आप ये समझ गए होंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि दो ही देगा, मगर ज्यादातर केस में, ज्यादातर क्या हम आपको बता रहे हैं, 90% केस में दो ही एपी देता है। अगर उससे ज्यादा दिया तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप तरीका समझ रहे हैं कि फर्स्ट कॉमन टर्म देख के निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब जितना भी एपी रहेगा उसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाल लेना है, ए और डी मिल गया एपी डिफाइन कर सकते हैं, लास्ट टर्म पूछेगा सबका एनएथ टर्म निकालेंगे, उसमें से जो सबसे मिनिमम यानी लीस्ट होगा, हमेशा कॉमन एपी का टीएन उस मिनिमम नंबर से छोटा या बराबर होगा, वहां से हम एन कैलकुलेट कर लेंगे, एन मस्ट बी इंटीजर, और जैसे हमको एन मिल गया एनएथ टर्म ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट लगा के टीएन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ ले। अब क्लियर हो गया ना आदित्य, अपने बनाना चाह रहे थे इसीलिए आप हमसे क्वेश्चन मांगे थे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इस पे डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको एक चीज पहले ही बता देते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा एपीजीपी में सम से ही रहता है। ठीक है, और दूसरा इसका स्टेटमेंट्स आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप सम से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इससे रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्कूल लेवल में सम ही होता है, चाहे वो एपी का बात हो या जीपी का बात हो, दोनों केस में सम। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए जैसे कोई एक पर्टिकुलर एपी है, ठीक है, समथिंग ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे करके ए एन तक, तो ध्यान दीजिएगा जब ये कॉमन से सेपरेटेड होता है ना, देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, उस समय इसको प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इसी में सेपरेशन अगर प्लस से हो जाए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव एंड सो ऑन ए एन तक, उस समय इसको कहा जाता है सीरीज। ठीक है, ये हो गया एपी सीरीज, केवल प्लस से सेपरेट कर दिए हर एक टर्म को, देन इट इज कॉल्ड एपी सीरीज। अगर कॉमा से सेपरेटेड है सिंपल एपी, मतलब कि कॉमा से सेपरेटेड प्रोग्रेशन, और अगर प्लस से सेपरेटेड देन कॉल्ड सीरीज। ठीक है, हमेशा सीरीज का ही सम निकलता है। अगर हम बोले सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना टर्म है एन तक सबको ऐड कर दो, इसका मीनिंग तो और कुछ नहीं है। हाँ, इसके लिए एक छोटा सा नोटेशन यूज करते हैं, एस एन सफिक्स में ऐसे एन लिख के, और इसका मीनिंग ये हुआ कि ए वन के साथ ए टू को ऐड कीजिए, के साथ ए थ्री को ऐड कीजिए, इसके साथ ए फोर को ऐड कीजिए, एंड सो ऑन, लास्टली आप ए एन को ऐड कीजिए। तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी पढ़ के तो बैठे हैं, लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ कि सबको ऐड कर दो। ठीक है, सबको ऐड कर दो। अब तरीका देखिएगा, एक दो थोड़ा थोड़ा है ना डिफरेंट तरीका बता रहे, ए ए ए कितनी बार, ए कितने टाइम्स आया बताइए तो, कोई नहीं, एन टाइम्स चेक करें, हमको लगता है एन टाइम्स। देखिएगा, एक दो तीन चार, ठीक है, फोर्थ टर्म तक ए चार बार आया, तो एनएथ टर्म तक ए कितनी बार आएगा, एन बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। ठीक है, एन टाइम्स आएगा, तो हम क्या लिखे, ए प्लस ए कितनी बार, एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स हो गया, प्लस प्लस सोच के देखिए, डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी ऐसे करके, तो हम लिख सकते हैं क्या, उतना समझिएगा क्या लिख सकते हैं, उस बात को समझा रहे हैं, ए ए डी कॉमन ले ले, वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करके कहां तक, एन माइनस वन तक, ऐसे करके कहां तक, एन माइनस वन तक। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, दो टर्म में डिवाइडेड है, किसी को कोई दिक्कत है कि सर ये क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ऐसा कुछ भी, अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला,
जब भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n तक होता है, n तक होता है, इसको कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। बहुत काम का चीज है, हर जगह काम आएगा, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और इसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, इसका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला, कहां से आया बिल्कुल बताएंगे हम आपको, मगर अभी नहीं, ठीक है, n n प्लस 1 बाई 2, n n प्लस 1 बाई 2 इतना होता है, ठीक है। सोच के देखिए, अगर हम इसी को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, देखिए पिछले कॉन्सेप्ट में फंस के मत रहिएगा कि हम तो एसएन का दूसरा प्रूफ पढ़े थे, अरे जो पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिपीट करके क्या करेंगे, थोड़ा नया सिखाएंगे तो दिमाग खुला रखिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक अगर हम ऐड करें तो हर एक n के जगह क्या पुट होगा, n माइनस 1, हर एक n के जगह क्या पुट होगा, n माइनस 1, तो क्या बनेगा, n के जगह n माइनस 1, अंदर में n के जगह, n के जगह n माइनस 1 और प्लस 1, तो ये तो कट गया बाय 2। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये n n माइनस 1 बाई 2 है, n n माइनस 1 बाई 2 आया, कंफर्म है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है, शायद नहीं होगा, चलिए ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। अब इस चीज का यूज क्या है, कहां करें, यहां करें, यहां करें, इस चीज को सीधा उठा के यहां पे लिख दें, तो हम लिख सकते हैं sn sn दैट इज इक्वल्स टू, सोचिए 1 को अगर 5 बार ऐड करें कितना होगा, वन को 5 टाइम ऐड करें कितना होगा, 5 होगा, हम बोलना है, ठीक है, बोलना है। अगर मान लीजिए 2 को 5 बार ऐड करें कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 होगा। अगर ए को 5 बार ऐड करें कितना होगा, ए को 5 बार, 5a, अगर a को n टाइम्स ऐड करें कितना होगा, na, बस यही चीज सुनना था, a को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे ये किसके बराबर, na प्लस d के प्लेस पे d रह गया, d के प्लेस पे d रह गया, और इसके साथ क्या आया, तो ये नंबर्स यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में है, और उसके जगह आप लिख सकते हैं n n माइनस 1 बाई 2, हम क्या लिख सकते हैं n n माइनस 1 बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, आपको देखिए क्या क्या दिखेगा, हम आपको भी बता दें, आपको दोनों में से n कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो sn इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2na, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस nd n माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से कॉमन का जैसे बात आएगा तो आपको दिख रहा है कि n कॉमन आएगा और उसके साथ 2 बाहर निकलेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, n बाई 2, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, यहां से इधर से जाइए, यहां पे, ठीक है, sn sn दैट इज इक्वल्स टू, आप बाहर निकालें n बाई 2, n बाई 2, ब्रैकेट रख लीजिए, ब्रैकेट रख लीजिए, क्या बच गया 2a, 2a प्लस क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap के लिए ये फॉर्मूला, और जहां तक हमको पता है आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए, तो देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, अपने पास फॉर्मूला आ गया, sn इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये एक अलग तरीका था कि कैसे हम sn इज इक्वल्स टू वो फॉर्मूला लेके आएंगे, दूसरा तरीका आप क्या पढ़े वो भी हम बताएंगे अभी इसके बाद, ठीक है, आप स्टार्टिंग से ऐड किए फिर उसको घुमा के ऐड कर दिए फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस वही काम करता है, तो बिल्कुल करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। आपको बता रहे थे कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला जाता है और क्या फॉर्मूला, ये जो प्रूफ करके दिखाए ना ये वन टाइम का था ताकि आप इन सब नए टर्म्स को थोड़ा समझ सके, बाकी तो आगे जो काम होगा मेरा केवल ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, हमको केवल समझ में आ जाए कि एन कितना, ए कितना, डी कितना, हम डायरेक्ट sn निकालेंगे इस फॉर्मूला पे, ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बताएं, कुछ पूछना भी है तो जरूर पूछें आप, या कोई क्रॉस क्वेश्चन कि सर वहां ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, अरे
कंपटीशन में अलजेब्रा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले आता था 15%, फिर हुआ 20%, फिर हुआ 25%, अभी लास्ट ईयर का बात है 30% अलजेब्रा आया था। और अलजेब्रा का मतलब हुआ क्लियर कट, नानुकुर ऊ आ नहीं चलेगा अलजेब्रा में, आता है तो बनेगा, नहीं आता है कुछ नहीं बनेगा फिर, ठीक है। देखिए इसलिए अलजेब्रा पे थोड़ा विशेष ध्यान और फॉर्मूला तो एकदम एक जगह होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसी एसएन के लिए प्रूफ बता रहे हैं फिर से। एसएन क्या होता है कि एक एसएन जो है मेरे पास ए प्लस डी ए प्लस टू डी जो आप पढ़े थे उसी बेसिस पे बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा भी लग जाए। ए प्लस थ्री डी, फिर ऐसे करके हमको लास्टली कहा जाना ए प्लस एन माइनस वन डी तक जाना, ठीक है। तो ये हुआ सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी। अब सोचिए अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 कोई पूछे तो हम बोलेंगे 6, कोई बोला कि देखो 3 प्लस 2 प्लस 1 है, थोड़ी ना 6 से बदल जाएगा, रहेगा 6। तो जब एडिशन का बात होता है तो चाहे आप फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड करें नेट रिजल्ट हमेशा बराबर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि रिवर्स करके बाई रिवर्सिंग डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट में लिखेंगे, सम तो चेंज नहीं होगा आप देख चुके हैं, ठीक है। सम तो चेंज नहीं होगा तो ऐसे नहीं रहेगा, लास्ट वाला पहले आया a प्लस एन माइनस वन डी, फिर उसके बाद इससे पहले का टर्म a प्लस एन माइनस टू डी, उससे पहले का टर्म a प्लस एन माइनस थ्री डी, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट, लास्टली मेरे पास यहां क्या बचेगा a, ठीक है। अब क्या करेंगे एड करेंगे, देखिए एड करने में भी एक वर्ड यूज होता है कॉलम वाइज, एडिंग एडिंग कॉलम वाइज। अब इसका क्या मतलब है कॉलम वाइज, इसका मतलब है ना फर्स्ट के साथ फर्स्ट ही ऐड होगा, सेकंड के साथ सेकंड ही ऐड होगा, इसको कहते हैं कॉलम। जब ये वर्टिकल होता है इसको कहते हैं कॉलम। तो यहां मेरा फर्स्ट टर्म है, यहां मेरा पास nth टर्म है, यहां मेरा सेकेंड टर्म है, यहां मेरा एन माइनस वनth टर्म है, ऐसे ऐड होगा, इसको कहते हैं कॉलम वाइज एडिशन, ठीक है। तो कॉलम वाइज जब एडिशन करेंगे हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा, एसएन एसएन मिलके हो गया 2 इंटू एसएन, ए में जब ये ऐड हुआ तो बन गया 2a प्लस एन माइनस वन डी एक। अब अगले वाले के लिए थोड़ा हम अलग से आपको दिखा दें, देखिए ए प्लस डी में ऐड करना है, ए प्लस डी में ऐड करना है किसको, ए प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन डी माइनस टू डी को, ठीक, ए प्लस ए टू ए, फिर उसके बाद डी माइनस टू डी, तो आप क्या लिख सकते हैं एन डी और यहां से माइनस डी, फिर से टू ए प्लस इन दोनों में से डी कॉमन ले लीजिए एन माइनस वन डी, कोई फर्क नहीं ना, तो कितना आया मेरे पास 2 प्लस एन माइनस वन डी। अब शॉर्ट में दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए अब ए प्लस टू डी में ये ऐड होगा तो प्लस टू और माइनस थ्री कितना देगा माइनस वन, डी के आगे का कोफिशियंट प्लस टू, डी के आगे का कोफिशियंट माइनस थ्री, सॉल्व होगा क्या देगा माइनस वन। तो नेक्स्ट टर्म भी मेरे पास क्या आने वाला है 2a प्लस एन माइनस वन डी आने वाला है, यही रिपीटेड कितने टाइम्स एन टाइम्स, क्योंकि आप एन टर्म्स लेके चले थे, ठीक है, एन टाइम्स इसी को रिपीट करेंगे। अभी वो जो बात कर रहे थे कि वन को ऐड किए 5 बार, 2 को ऐड किए 5 बार, a को ऐड किए थे 5 बार, अब ये टर्म ऐड हुआ कितने बार n टाइम्स, तो आप कह सकते हैं ये n इंटू, देखिए ना सब एक ही है, सब आइडेंटिकल है, तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d होगा, बाद में sn निकालना है तो ये 2 नीचे जाएगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये था आपके पास sn का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये था एक प्रूफ, सेकंड तरीका, और एक इससे पहले आपको उसमें हम बोले थे कि जरूर बताएंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ये जो है n n प्लस 1 बाई 2 क्यों होता है, देखिए अभी काम आएगा, ठीक ना। देखिए मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ये दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n तक कितना होगा, हम सबसे पहले चेक किए क्या ये कांस्टेंट डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, तो हमको पता चला हाँ, तो हम बोले इट इज एपी, इट इज एपी, तो एपी में जरूरत किसका, a का, कितना 1,
डी का कितना वन, नंबर ऑफ टर्म एन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू एन। अब एक बार ध्यान दीजिए, ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, और देख के पता चल रहा है कि सबको ऐड करना है। अगर सबको ऐड करना है तो क्यों नहीं हम एस एन का कॉन्सेप्ट लगा दें, बस इस चीज को यूज कीजिए, एस एन दैट इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू इंटू ए के जगह पे वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे वन। सॉल्व करें तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, अंदर देखिए टू, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, कुल मिला के हमको लगता है एन प्लस वन हो गया ये, तो लिख सकते हैं क्या एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो इसके सम का फॉर्मूला कितना, एन एन प्लस वन बाई टू। देखिए क्या हुआ, ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया कि एस एन कितना होगा, और ये फॉर्मूला एस एन बताया, ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया कि इसका सम कितना होगा। सब इंटर रिलेटेड होता है, अगर आप ये जानते हैं तो एस एन निकाल सकते हैं, जैसे इससे पहले का प्रूफ बताए थे। अगर आप एस एन जानते हैं तो ऐसे नंबर्स का एडिशन निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो ये यहां पे जो टर्म आया ना, इसको फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, नोट करेंगे, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा सोच के बताइएगा, अगर बोला 10 टर्म्स और बोला 10th टर्म, कौन बता रहा है एस एन और कौन बता रहा है टी एन, बताइए। तो थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए ना, हाँ, 10th टर्म क्या बता रहा है, टेंथ टर्म बता रहा है एस एन, जिसमें टी एच लगा वो टी एन, और जो नंबर ऑफ टर्म्स रखा है वो एस एन, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतना बारीकी से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तब पता चलेगा कि वो दिया क्या है, ठीक है। आपके सामने बस एक क्वेश्चन रखते हैं, देखिएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा एप्लीकेशन दिखा दें इसका। ये बोला गया कि इन एनी गार्डन, कोई एक गार्डन है, ठीक है, इफ इफ प्लांट्स प्लांट्स आर सेपरेटेड सेपरेटेड बाई कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, मान लीजिए, ठीक है, वो कितना बड़ा होगा नहीं होगा हमको उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ फर्स्ट प्लांट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम वेल, कुआं कुआं, ठीक है, वेल, अगर वो उससे क्या है 10 मीटर दूर है। आगे, इफ गार्डनर, थोड़ा सा छोटा कर दे नहीं तो लंबा चला जाएगा, ठीक है, बताइएगा, इफ यूजिंग सिंगल बकेट, यूजिंग सिंगल बकेट, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड टू पुट वाटर इन ईच प्लांट, ठीक है। ये अब गार्डनर वार्डनर छोड़ दीजिए, कोई भी आया अपना काम करके चला जा सकता है, ठीक है, देखते रहिए क्या बोला गया। सबसे पहले उस चीज को, ये वर्ड प्रॉब्लम है ऑन बेसिस ऑफ एस एन, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, इफ इन एनी गार्डन, इन एनी गार्डन इफ 25 प्लांट्स, हमको ये बताना चाहिए था, 25 प्लांट्स आर सेपरेटेड बाय कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, फर्स्ट प्लांट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम वेल। देखिए जो बोला ना उसको थोड़ा ऐसे समझिएगा, ये हुआ मेरा कुआं, इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक पेड़ लगा हुआ है, मतलब पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 10 है। इसके बाद 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पौधा लगा हुआ है, ठीक है, 5, फिर 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पौधा लगा हुआ है,
फिर 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पौधा लगा हुआ, ऐसा ऐसा कितना है वहां पे प्लांट, 25 प्लांट्स। ठीक है, डेटा कलेक्ट कीजिए, बताइए कौन क्या है। हम आपसे पूछते हैं ए, आपको क्या पता चला? ए 10, पानी तो यहीं से ना भरेगा, ठीक है, चापाकल नहीं है उसका घर में, आया यहां से पानी निकाला एक बकेट और उठा के ले जाके यहां डाल दिया, तो पहला डिस्टेंस कवर्ड इज 10, ठीक है 10 इसका। डी 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 कितना? 5 5 5। एन एन 25। ए डी और एन मिल गया, ए डी और एन मिल गया। अब कहानी समझते हैं कि वो क्या रहा, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो 5 लाइन में लिखा है वो क्या रहा। देखिए, आदमी वेल में से पानी लिया, जाके पहले वाले प्लांट में डाल दिया खाली, अब उसका बकेट खाली, लेके वापस आया, फिर भरा, ले जाके दूसरे प्लांट में डाल दिया, ठीक है, फिर बकेट खाली, उसको लेके आया, फिर से भरा, ले जाके तीसरे प्लांट में डाल दिया, फिर से खाली वापस। यानी कि अगर वो तीन प्लांट को वाटर दे रहा है, तो सोचिए वो ये वाला डिस्टेंस 2 बार कवर कर रहा है, एक बार जाना दूसरी बार आना, एक बार जाना दूसरी बार आना, तो SN आपको ये देगा 1 टाइम, मगर फाइनली जो डिस्टेंस कवर्ड है वो निकालने के लिए आपको SN को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर जाना निकाल रहे हैं तो SN, फिर आना भी निकालना पड़ेगा एक और SN, कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल्स टू 2 SN। बोलिए क्या आप ये समझे, पहले थ्योरी समझे फिर कैलकुलेशन करना रह जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए SN के पीछे भागते हैं। SN इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1D, कितना होता है, सबको पुट करें इसके प्लेस पे, थोड़ा इधर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखिए S 25 निकाल रहे हैं ना, 25 प्लांट लगा है, दैट इज इक्वल्स टू N/2 25/2 N के प्लेस पे, 2 × A के जगह 10 प्लस 25 - 1, और D के प्लेस पे मेरा कितना था 5 5। हम इसको सॉल्व करें, 25/2 अंदर का बार 20 और ये कितना हो गया 120, तो 140 यहां से इसका कैंसिलेशन 70 टाइम में, 25 7 टाइम में 175 देता है, 1750 मीटर, ये S25 है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल्स टू 2 SN, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 1750, कुल मिला के 3500 मीटर चल रहा है, 3.5 किलोमीटर चलेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है, 3.5 किलोमीटर वो चल रहा है, 3500 मीटर कवर कर रहा है, 25 प्लांट लगाए उसमें पौधा में पानी डालने के लिए, ठीक है। बोलिए किसी भी टर्म में कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, किसी को भी, ए डी या SN या प्रोसेस कुछ भी ऐसा। कितना टाइम है?